पूछ लेना फाइनल्स जितने सीनियर्स थे, एक दफा पढ़ाई थी मैंने, एक सब्जेक्ट में लिखी मुझे। एनजीओ में बेसिकली क्या है आपकी ज्यादातर व्यूज, और वो इम्पोर्टेंट है जो चीजें आपको, एक तो वो 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको लेक्चर्स एक्सटेंड करने के लिए फिर एनाटमी और उसकी तरफ डाल के और सारा कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, वरना एनजीओ इतना सा है जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। पीआईसी में एमआरआई मैंने कभी पढ़ाई नहीं, होना मुझे पढ़ानी है, मुझे बहुत बुरी लगती है एमआरआई सीटी, मुझे नहीं पसंद। अच्छा जी, किससे पढ़नी है? पढ़ रहे हो? हाँ, मिस रोजा अच्छा पढ़ाती हैं, उन्होंने एमआरआई मेरे ख्याल पढ़ाई भी है किसी को। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो भी एफएमएच की हैं, मेरी जूनियर है। आज का टॉपिक भी छोटा सा है, हमारे फ्रैक्चर्स को पढ़ना है, हमने कहा गया खत्म तो हो गए थे वो, तो मैंने इंक्लूड किए हैं 2 लेक्चर्स, सिर्फ और सिर्फ ईद से पहले 2 लेक्चर्स लेने के लिए, वो तो वैसे आप लोगों के लेक्चर्स कंप्लीट ही हैं। एक ये लेक्चर इंक्लूड किया है फ्रैक्चर्स का, और एक और भी देख लूंगी, मेरा है दिल या कोई शैटिका के ऊपर दे दूं, के शैटिका, वैसे तो ये सारी जितनी भी मैं पढ़ा रही हूँ ना बहुत कम है, जो मेजर 3 है, शोल्डर, नी और रिस्ट, सिर्फ इनका अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी जो है बहुत कम होता है कि उनकी कोई इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ अगर कोई आए और उसका जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ज्यादातर एमआरआई करवाए, क्योंकि शर्टिका भी एक नर्व की जो है ना रेडिएटिंग पेन है, नर्व के कंप्रेशन की वजह से, और हमें और इतना डीप पड़ी होती है वो पीछे हमारे स्पाइन के, उसको और जब अल्ट्रासाउंड पे करेंगे इतनी सारी ओवरलैपिंग, और उसकी वजह से हमें पोस्टीरियर शैडोइंग की वजह से क्लियर नजर नहीं आता, उसके उसको भी छोड़ दो, मैं देखती हूँ एक लेक्चर और इंक्लूड कर लूंगी। ये कैसे ईद से पहले लेक्चर खत्म करने के लिए एक लेक्चर और रह जाएगा सैटरडे को, या फिर उसको रिवीजन क्लास देख लूंगी, कोई रिवीजन को ये उसका टॉपिक देख लेंगे, ठीक है, या फिर हुआ भी तो कोई छोटा सा टॉपिक 10-15 स्लाइड का, सिर्फ एक टॉपिक को एक जो है ना डिस्कस कर लेंगे, तो उसको एज अ लेक्चर में इंक्लूड करके, और उसके बाद जो है ईद की छुट्टियां और ईद के बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है, 2-3 प्रैक्टिकल, साथ में वाइवा की डेट भी अनाउंस कर दूंगी, और फिर मंडे से नहीं, गवर्नमेंट ने तो मैं हर ट्यूजडे से की है, मेरा मंडे खुद का ऑफ होता है, तो मुझे मंडे से छुट्टी मेरा ट्यूजडे से है गवर्नमेंट की, तो पूरा वीक ही है, अगर आप लोगों के लेक्चर्स मंडे को हैं तो फिर तो शायद मंडे को। हाँ फिर वैसे भी मैंने खुद अभी भी ऑन कैंपस, वो उन्होंने कहा था कि ऑन कैंपस ही सबको बुलाना है, लेकिन ड्यू टू मिड्स आप लोगों के किसी कोई रूम अवेलेबल नहीं है, मैं तो टाइम टेबल देख के आती हूँ कि रूम अवेलेबल है, कोई लेक्चर नहीं है, रूम नहीं है, इसमें वो नहीं था, तो इस वजह से अभी तो वो ही कह रहे थे कि हमारे पास टाइम, हमें कहते हैं ऑनलाइन लें, लेकिन ऑनलाइन कहाँ से लें हम लोग, मतलब ऊपर सिस्टम्स में ऑनलाइन हम लोग ले नहीं सकते, वो एक्सेस नहीं है, तो घर से लें, तो घर से फिर अटेंडेंस लगाना है, तो फिर भी आना पड़ना है यूनिवर्सिटी, तो फिर अच्छा आज का हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कम्प्लीट करते हैं, थोड़ी सी फिर डिस्कशन भी करनी है रिगार्डिंग योर वेबिनार, और जो मैंने आपको बताया था ना उसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि कल मेरी डॉक्टर उज्मा से मीटिंग भी है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस भी करनी है, तो आप लोगों से भी कुछ चीज़ें। अच्छा, फ्रैक्चर्स हमारे जो है वो अल्ट्रासाउंड पे नजर कैसे आते हैं, आपको पता है बोन्स हैं, बोन्स हमारी अल्ट्रासाउंड पे इतने क्लियर नजर नहीं आती, लेकिन हाँ जो बिल्कुल हमारी सरफेस है, जो आप समझ लो कि इंटीरियर सरफेस है, वो ही हम देख सकते हैं, एक साइड की सरफेस बोन की हम देख सकते हैं, पीछे जो है ना उसके तो शेडो आ जाता है, जिसकी वजह से हम पोस्टीरियरली उसको बोन पे इतना क्लियरली नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर शेडोइंग, ठीक है, तो जो एक सरफेस है, सरफेस की इररेगुलरिटी होगी, उससे हमें पता चलता है कि देयर इज अ बोनी फ्रैक्चर, जो कि हमें क्लियरली वहां नजर आता है, ठीक हो गया। और जो है ना अब इररेगुलरिटी हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर कैसी आती है, वैसे बोन्स हमारे पास कैसी हैं, हमारे पास नजर आती हैं हाइपर एक्टिव, बिल्कुल ब्राइट नजर आती है, इफ देयर इज अ फ्रैक्चर तो वो हमें कैसा नजर आएगा, ब्लैक कलर की उसके अंदर लाइन नजर आएगी, ब्लैक स्पेस जो होगी ना वो हमें बताएगी कि वो फ्रैक्चर अगर है तो वो फ्रैक्चर कौन सा है। कुछ हमने फ्रैक्चर्स की टाइप भी पढ़ी थी, वो कौन सी थी कि एवर्जन फ्रैक्चर्स होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, वो ड्यू टू देयर शेप्स हमारे पास जो थी वो हम लोगों ने उनकी नेम्स को देखा था, और एवर्जन फ्रैक्चर क्या होता है, जो कि बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, बोन जो है टूट के बिल्कुल सेपरेट हो गई है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के हमने फ्रैक्चर्स उसमें देखे थे। लेकिन अब हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आते हैं, और हम लोग कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला ये फ्रैक्चर है या ये वाला ये फ्रैक्चर है, ठीक है, हम लोग सिर्फ सरफेस को देख सकते हैं, ऊपर वाली सरफेस हमें इस तरह नजर आती है, इररेगुलरिटी ऑफ द कॉर्टिकल आउटलाइन ऑफ द बोन, जो इररेगुलरिटी हमें नजर आ रही है या इरोजन
हम क्लियर हो रही है इमेज, या तो उधर से ना वो कर दो, डिम कर दो लाइट। हाँ क्लियर हो। अल्ट्रासाउंड के इमेजेस हमेशा अंधेरे में, और जितने भी हमारे रेडियोलॉजी के इमेजेस हैं, जितना आप डार्क करोगे उतने अच्छे इमेजेस नजर आते हैं। स्कैन भी जब कर रहे होते हैं, वो कोशिश जब भी आगे करो तो रूम को हमेशा जो है डार्क रखो, डिम लाइट रखोगे, आपको इमेजेस क्लियर नजर आएंगे। ठीक है, लाइट की वजह से काफी चीजें जो हमें नजर नहीं आती। अच्छा अब ये देखो, अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें तो अब हमें प्रॉपर बोन इस तरह की, तो जो बोन है उसकी सिर्फ एक सरफेस नजर आ रही है एक, ठीक है। बोन इस तरह की तो नहीं होती, बोन तो प्रॉपर एक मोटी सी बोन होगी, पीछे भी उसके नजर आ रहा होगा, साइड पे भी नजर आता है, लेकिन ये सिर्फ हमें एक सर्फेस नजर आ रही है उसकी, जो टॉप सर्फेस है वो इसलिए नजर आती है, जो सर्फेस जो बिल्कुल फ्रंट वाली सर्फेस होगी, इंटीरियर सर्फेस होगी, वो तो हमें रिफ्लेक्ट होकर सामने नजर आ सकती है, लेकिन उसके जो बैक स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे शेडो के अंदर छुप जाते हैं, बोन इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ड्यू टू शेडो बोन के पीछे पोस्टीरियर शेडोइंग की वजह से वी कैन नॉट सी द होल बोन। ठीक है, तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें सरफेस नजर आ रही है और सरफेस के ऊपर इररेगुलरिटी नजर आ रही है, और ये देख रहे हो दो टाइप के फ्रैक्चर्स हैं, उसके अंदर क्या हुआ है, वो डिस्प्लेस नहीं हुई है बोन सिंपल, उसके अंदर क्या हुआ है, एक लाइन जो है वो हमें नजर आ रही है, उसके अंदर स्पेस नजर आ रही है, जिससे हम कह रहे हैं कि उसके अंदर फ्रैक्चर है। इसके अंदर क्या हुआ है, एक बोन जो है वो थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई है, ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो नजर आ रहा है, स्पेस नजर आ रही है, बस उसके साथ साथ हमें बोन जो है वो डिसलोकेट होती भी नजर आ रही है। सिंपल इज कि हमें अल्ट्रासाउंड पर सरफेस नजर आएगी बोन की, और उससे हम सिर्फ उससे उसकी देख सकते हैं कि स्पाइरल है या फिर उसके अंदर जो है डिसलोकेशन है बोन की, ये चीजें हम लोग सिर्फ इसके ऊपर देख सकते हैं। ये अब हम लोग को, वही मैं बता रही हूँ, हम लोग को इतना क्लियर नजर नहीं आता, अगर तो लाइन थोड़ी ओब्लीकली जा रही है तब तो हम कह सकते हैं कि ओब्लीक नहीं, ये ऊपर वाला जो इस साइड पे है ना, ये तो आपको डिसलोकेशन है, ड्यू टू फ्रैक्चर बोन ही ऊपर की तरफ आ गई है। ठीक है, अब फ्रैक्चर के साथ, अब ये बोन थी, ठीक है, अब बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ तो वो यूं करके डिसलोकेट हो गई है, टूट के थोड़ी डिसलोकेट हो गई, इस तरह हुई है। ठीक है, जो दूसरी है उसके अंदर फ्रैक्चर है, वो थोड़ा सा गैप आ गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो उसी लाइन के अंदर ही हमें नजर आ रही है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास फ्रैक्चर हो गए। अब हम लोग करते हैं, अब हमारे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन तो अल्ट्रासाउंड नहीं है फ्रैक्चर के लिए खास तौर पर, अब कोई किसी का फ्रैक्चर हुआ तो हम कहेंगे जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ, नो, एक्सरे प्लेन फिल्म के लिए हम उसको पहले इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेकर जाते हैं, प्लेन फिल्म के ऊपर ही हमें जो है एक्सरे नजर आते हैं। लेकिन हम जो है ना फिर अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे या किस वजह से हम करते हैं, वो होता है कि समटाइम्स हमारे पास, हम सॉफ्ट टिश्यूज को देख रहे थे और ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज जो है वो बीच में हमारे पास बोन्स भी फ्रैक्चर्स नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेट तो हम कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू को, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमें जो है ना वहां पे कोई ऐसी पैथोलॉजी मिल गई है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरह की लाइन नजर आई है, डैट मीन्स उसके ऊपर फ्रैक्चर भी है, लेकिन हम देख सॉफ्ट टिश्यू कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ बोन्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे। अगर हमने सिर्फ बोन्स को इन्वेस्टिगेट करना है तो प्लेन फिल्म्स हमारे पास रेडियोग्राफी की तरफ हम जाएंगे। अब हमारे पास डिफरेंट दो मॉडलिटीज मैंने इसमें डिस्कस की हुई है, प्लेन फिल्म और सीटी स्कैन। ठीक है, एमआरआई हम तब करते हैं और एमआरआई तब हमारे पास फ्रैक्चर्स के लिए खास तौर पे, हम एमआरआई उस वक्त नहीं करेंगे अंटिल अनलेस उसके साथ कोई ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज या नर्व इंजरीज भी इन्वॉल्व क्यों ना हो। ठीक है, वरना हम सिटी के ऊपर भी बहुत अच्छी देख सकते होते हैं बोनी स्ट्रक्चर्स भी और सॉफ्ट टिश्यूज भी, तो हम या तो प्लेन फिल्म, अगर सिर्फ और सिर्फ हम बोन्स की बात करें तो उनके फ्रैक्चर्स की बात करें तो, और उसके अलावा जो है अगर हम लोग थोड़ी सी डिटेल्ड अलॉन्ग विद द सॉफ्ट टिश्यूज बोन्स की करें तो हम सिटी स्कैन की तरफ उसको रेफर करेंगे। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड दैट अल्ट्रासाउंड इज नॉट द फर्स्ट लाइन इमेजिंग मॉडलिटी टू डिटेक्ट एक्यूट बोन फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लेन फिल्म कैन डायग्नोज द मेजोरिटी ऑफ द फ्रैक्चर एंड असेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोनी एंड्स। ठीक है, अब हमारे पास मेन तो हमारे पास क्या होगी इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर द बोनी फ्रैक्चर्स विल बी एक्सरे। सीटी स्कैन हम कब परफॉर्म करेंगे, सीटी में भी परफॉर्म इन द सिलेक्टेड केसेस। अब ये केसेस आप याद रखो, इन केस अगर मैं इनमें से कोई एक केस पूछ लेती हूँ, यू शुड नो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक केस। ठीक है, कि उसके लिए हम सीटी करेंगे, अदरवाइज जो है हम एक्सरेस की तरफ उसको। अगर हम लोगों ने कोई, अब सिटी में क्या होता है, सिटी स्लाइसेस लेते हैं ना हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बाद में बैठ के पोस्ट प्रोसेसिंग भी करते हैं, स्लाइसेस को सेजिटल में कंबाइन करके, या फिर हम लोग कॉरोनल में जो पोस्ट प्रोसेसिंग का काम है, सिटी पढ़ लिया हुआ है ना उसमें, आप लोगों ने पढ़ी होंगी कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें सारा जो भी उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, सिटी में भी परफॉर्म इन द सिलेक्टेड केसेस, टीबीएल प्लेटू, पेल्विक गर्डल और स्पाइन फ्रैक्चर्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सिटी। स्पाइन तो आपको पता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी स्पाइन के लिए तो हम करते ही सीटी या एमआरआई है, एक्सरेज इन केस करते हैं अगर हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर बोन्स जो हमारे पीछे वर्टेब्राज हैं उनके दरमियान अगर कोई स्पेस रिड्यूस हुई है,
ठीक है, उसके अंदर कोई ऑस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो गए, वो चीजें हम रेडियोग्राफी पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग, अगर हमें वहां पे स्पेस रिड्यूस तो मिल गई है, लेकिन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो जो स्पेस रिड्यूस हुई है वो क्या कर रही है, वो जो नर्व्स हमारी दोनों स्पाइन से जो जो हमारी वर्टेब्राज हैं उनमें से जो हमारी नर्व्स दोनों साइड से निकल रही होती है, ठीक है, उनके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। जिस साइड पे हमारी जो स्पेस है वो रिड्यूस हुई है, वो क्या होगा, वर्टेब्रा उस नर्व के ऊपर कंप्रेशन देगा। वो नर्व जिस जगह पे आपको जिस जगह पे जा रही होगी वो पूरी रेडिएटिंग पेन की तरह जाएगी, वो पेन जो पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको रेडिएटिंग पेन होगी। दैट मींस वो स्पेसिफिक जो नर्व है जो उस एरिया को सप्लाई कर रही थी उसके ऊपर कोई कंप्रेशन आया। जो शियाटिका की पेन होती है वो भी रेडिएटिंग पेन होती है, वो भी हमारे जो बैक लोअर बैक में कंप्रेशन आता है शियाटिक नर्व के ऊपर, उसकी वजह से हमें शियाटिका जो है ना वो मिलता है, ठीक है। तो शियाटिक पेन इज ड्यू टू द कंप्रेशन ओवर द शियाटिक नर्व, और वो क्या होती है, हमारे बैक लोअर बैक पे हमारे पास मिलती है। हम रेडियोग्राफी के ऊपर अगर देख रहे हैं, अच्छा एक रेडियोग्राफी पे हमें कैसे पता चलता है पेशेंट कंप्लेन कर रहा है लो बैक पेन या रेडिएटिंग पेन, रेडियोग्राफी पे क्या नजर आएगा, स्पेस रिड्यूस नजर आएंगे। उसके अलावा हमें कर्वेचर भी उसका खराब नजर आ सकता है, जो कि हमें एपी या पीए पे नहीं इतना क्लियर नजर नहीं आता, इतना कर्वेचर तो प्रॉपर थोड़ा सा स्लाइटली डिसलोकेट हुआ होगा, लेकिन ज्यादा कर्वेचर को हम किस व्यू पे देख सकते हैं, लेटरल व्यू, ठीक है। जैसा हमारे सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर कर्व किस तरह होता है, ठीक है, कनकेव होता है, फिर थोरेक्स में हमारे पास थोड़ा सा कन्वेक्स हो जाता है, फिर हमारे पास लंबर में कनकेव हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारी जो स्पाइन मूव करके बनी हुई है ना, अल्लाह ताला ने हर उसकी बनाई हुई है शेप इस तरह की, वो हमारा जो कर्व है ना वो खराब हो जाता है। वो किस तरफ चला जाता है, स्ट्रेटनिंग की तरफ पहले जाता है, एंड देन रिवर्सल ऑफ दैट कर्वेचर, ठीक हो गया। अब जिस तरह सर्वाइकल स्पाइन में हमने पढ़ा था कि जो कर्वेचर न्यू हमारे पास था वो पहले स्ट्रेट होगा, एंड दिस स्ट्रेटनिंग इज ड्यू टू द मस्कुलर स्पैज्म। बहुत ज्यादा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको गर्दन में अकड़ाव रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। वो अकड़ाव क्या है, वो मस्कुलर स्पैज्म है जिसने उसके मसल्स ने उसकी बोन्स को इस तरह स्ट्रेट कर दिया खींच के, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक होते होते जो है वो दूसरी तरफ जो है हमारे पास रिवर्सल कर्वेचर जो है हमारे पास वो शो कर सकता है, ठीक है। तो सीटी में भी परफॉर्म इन सिलेक्टेड केसेस व्हेन द कॉम्प्लेक्स लोकल एनाटॉमी कॉज ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स ऑन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। दिस इज द पॉइंट कि हम सीटी करेंगे कि हमारे पास ओवरलैप हो जाती है बोन्स का, या फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, रेडियोग्राफी पे हम दो ही फिल्म्स ले रहे होते हैं, लेटरल या फिर एपीपीए व्यू, उसके अंदर ही हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर भी अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स क्लियरली नजर नहीं आते, फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन। एंड सीटी स्कैन क्या, स्लाइसिस होते हैं, एक्सियल स्लाइसिस होते हैं, और हम लोग स्लाइस बाय स्लाइस जो है वो डिटेल को विजुअलाइज कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी है। रीफॉर्मेटेड इमेजेस इन द सैजिटल एंड कॉरोनल प्लेन्स कैन प्रोवाइड एक्यूरेट मैप ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, एंड एडिशन दिस कॉलिमेशन सीटी स्कैन कैन आइडेंटिफाई स्मॉल एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स। अब सीटी के लिए हम लोग क्यों ये कर रहे हैं, सीटी ही क्यों, इतना फ्रैक्चर तो हमें रेडियोग्राफी पे भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि हमें रेडियोग्राफी पे भी नजर नहीं आ रहे होते, पोस्टीरियरली छोटी सी लाइन होती है लेकिन वो पेन कॉज कर रही है वहां पे, और उसके लिए हमें कुछ स्लाइस थिकनेस जो है वो स्मॉल स्लाइस थिकनेस चाहिए, तो हम उस एरिया का सीटी करके उसके अंदर स्लाइस थिकनेस को रिड्यूस कर देंगे और कम से कम एमएम रख के स्लाइस थिकनेस के, उसके बाद हम उसको सीटी के ऊपर रीफॉर्मेटेड करके हम फ्रैक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एमआरआई किस लिए है, अनलाइक सीटी एमआर इमेजिंग हैज एन मार्जिनल रोल इन असेसिंग क्यूट फ्रैक्चर, इन मोस्ट केसेस फ्रैक्चर्स आइडेंटिफाइड विद एमआर इमेजिंग आर आइडेंटिफाइड फाइंडिंग इन पेशेंट एग्जामिन फॉर द पॉसिबल सॉफ्ट टिश्यूज। कहने का मकसद ये है कि एमआर अगर कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर्स वी हैव टू सी द सॉफ्ट टिश्यूज पैथोलॉजीज, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी अगर है, या फिर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी ने फ्रैक्चर कॉज कर दिया है, वो भी एक हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ट्यूमर था जो इतना हार्ड होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसने उसके ऊपर स्ट्रेस डालना शुरू कर दिया, किसी बोन के ऊपर कोई पड़ा हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, उसको डिप्रेशन फ्रैक्चर जिसे क्या था, डिप्रेस कर देगा उस बोन को, या कोई ऐसी छोटी सी बोन पड़ी हुई है, इतनी लाइट सी बोन पड़ी, उसके जो ऊपर सर्फेस है वो थोड़ी सी हमें डिप्रेस नजर आना शुरू हो जाएगी, कोई आउटसाइड कोई हमारे पास प्रेशर की वजह से, अब वो कोई भी चीज का फ्रैक्चर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वो हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है, दैट मीन्स ड्यू टू एनी स्ट्रेस या ड्यू टू प्रेशर उसके अंदर डिप्रेशन आ गया है, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यूज को इवेलुएट करते करते हमें जो है ना उसके अंदर फ्रैक्चर्स नजर आ सकते होते हैं, फॉर डैट जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज हमें पैथोलॉजीज अगर देखनी है, फॉर डैट वी विल इन्वेस्टिगेट थ्रू एमआर इमेजिंग, ठीक हो गया, तीनों मॉडलिटीज का हो गया।
अब आ जाओ एग्जॉस्टोसिस, ये क्या है? एग्जॉस्टोसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन ऑन द जो हमें बोन नजर आ रही है उसके ऊपर अगर हमें कोई एक न्यू बोन की फॉर्मेशन, एक तो ऑस्टियोफाइट होती है, ऑस्टियोफाइट इज ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस, वो एक नहीं होते, वो बहुत सारे हमें नजर आएंगे, स्पाइक्स नजर आएंगी बोन्स के ऊपर। ये क्या होता है, ये हमें एक किसी एक स्पेसिफिक और उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि उसको डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो और उसकी बोन्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ऑस्टियो जो डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं वो एक से ज्यादा बोन्स को जो है वो कवर करती हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा हमें ऑस्टियोफाइट्स नजर आते हैं, स्पाइक्स नजर आते हैं, हमें बोन्स भी इस तरह की बिल्कुल प्लेन नजर नहीं आती, खुरदरी खुरदरी सी उसके अंदर नजर आ रही होती हैं, वो पूरा हमें देखते साथ ही कह सकते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स हैं, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस। ऑस्टियोफाइट्स भी क्या होते हैं, हमारे पास स्पाइक्स बनते हैं बाहर की तरफ को, बोन्स बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं, पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आप होता है, ये इसके अंदर बोन एक न्यू फॉर्म है, क्या क्या बता रही हो आप, कार्टिलेजनस ट्यूमर होता है ना उसमें ये बनता है। ठीक है, मतलब इसकी कॉज अब आप जो आपने पढ़ी, हमें सिर्फ इतना पता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन, अब उसका क्या क्या कॉज है, हेलो 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 क्या कह रही हो, ऑस्टियोफाइट्स डीजेनरेटिव, आर्थराइटिस तो आपको पता है वो तो जॉइंट की जो है इंफ्लेमेशन है, वो जॉइंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम मिलेगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, उसमें फ्लूइड मिल सकता है, उसके अंदर बोन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो तो जॉइंट की है। ये तो ओवरऑल जो बोनी सर्फेस है, सर्फेस के ऊपर अगर हमें कोई स्पाइक्स मिल रही है, दिस इज ऑस्टियोफाइट्स बोनी प्रोजेक्शन, बोनी प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बोनी प्रोजेक्शन आर ऑस्टियोफाइट्स इन डीजेनरेटिव चेंजेस, बट इफ यू सी अ न्यू फॉर्मेशन ऑफ द बोन, और वो किस वजह से होता है, कार्टिलेजन ट्यूमर्स की वजह से। ठीक है, ये उसका क्या है, ये कॉज है। हेलो ठीक है, ज्यादा डिटेल देखनी होता है मराई के ऊपर ही नजर आ सकता है। ठीक है, अगर उसके साथ क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं, वरना सीटी पे भी नजर आ सकती है, सीटी एम आर बोथ। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल और उसके अंदर अगर कोई ऐसी कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है, उसके अंदर कोई पेन है और अच्छा, एग्जॉस्टोसिस कैन कॉज क्रॉनिक पेन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर डिपेंडिंग ऑन द शेप साइज एंड द लोकेशन ऑफ दैट बोन, जहां पे वो फॉर्मेशन हुई है न्यू बोन की। और अगर हम इस पिक्चर में देखें तो दिस इज द नॉर्मल बोन सर्फेस, और इसके ऊपर एक और कलर का, व्हाइट कलर का हमें ये नजर आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द न्यू बोन फॉर्मेशन, जो नॉर्मली यहाँ पे हमें एनाटॉमी में नजर नहीं आती थी। अगर आपको नॉर्मल एनाटॉमी का पता है ना, तो आप पता कर सकते हो कभी ये सर्फेस थी इसकी, इसके ऊपर कौन सी बोन नजर आ सकती है, कोई बोन नहीं होती। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसी सर्फेस के ऊपर, तो वो क्या हो सकती है। ठीक है, अलॉन्ग विद डैट आपको कोई ट्यूमर मिल सकता है, जैसे इसने बताया कि उसकी कॉज है कि ये एग्जॉस्टोसिस किसकी वजह से होता है, ये ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। वो ट्यूमर अगर आपको वहां पे मिल रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो ट्यूमर जो है कन्वर्टिंग इनटू डेड बोन। ठीक है, तो वो उस सर्फेस के ऊपर हमें व्हाइट कलर का, उस सर्फेस के ऊपर अलग सा एक व्हाइट हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर नजर आएगा, डेट इंडिकेट्स द एग्जॉस्टोसिस, या हमें वो एक न्यू बोन फॉर्मेशन मिल सकती है। इतने डिटेल पड़ी है ना, तो फिर तुम लोगों को पता होता है क्या इमेजिंग में अब। ठीक, इसने पढ़ा है ना सारा, पैथो में पढ़ा है, तुमने पैथो पढ़ी है, अब पैथो पढ़ के आओ, इसने पैथो में पढ़ा था, पैथो में डिटेल पड़ी होगी सारा कुछ। हम तो सिर्फ इमेजिंग देख रहे हैं कि अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह की सर्फेस के ऊपर हमें मिल रही है, तो दिस इज एग्जॉस्टोसिस and this is a new bony formation. Ultrasound may be useful for detecting fracture in those cases in which the fracture was undetected at the initial radiographic examinations.
डैट मीन्स कि हमें उस टाइम पे तो छोटे फ्रैक्चर्स भी नजर नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें जो लाइन फ्रैक्चर्स हैं वो हमें बिल्कुल इसके ऊपर नजर आ सकते हैं सर्फिस के ऊपर अगर हों तो। समटाइम्स रेडियोग्राफी भी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता उन फ्रैक्चर्स को, फॉर डैट हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रहा है कि मुझे पेन जो है वो बहुत टाइम से रह रही है, बट एक्सरे करवाया, एक्सरे के ऊपर तो कोई फ्रैक्चर नजर नहीं आया, लेकिन उसको कोई ट्रॉमा था या कुछ ऐसा इंडिकेट किया है उसने अपनी हिस्ट्री में, तो ट्रॉमा था या गिरा है या कुछ ऐसा है, लेकिन उसके ऊपर फ्रैक्चर नहीं आए एक्सरे के ऊपर, और उसको इंजरी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की कोई इंजरी है, कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वहां से स्वेलिंग हुई हुई है उसकी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी साथ होगी, डॉपलर डालो उसके अंदर, हाइपरवैस्कुलराइजेशन मिल जाएगी, फ्लूड मिलेगा उसमें, और अलॉन्ग विद डैट हमें कोई उसकी जो सर्फिस है इंटीरियर सर्फिस उसके ऊपर कोई फ्रैक्चर मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इनिशियली जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहेंगे, बट इन केस के वो हम लोग को डिटेक्ट नहीं हुआ एक्सरे के ऊपर, देन हम एक्सरे ये अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं अगर उसके साथ उसको सॉफ्ट टिश्यू भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इन जनरल पेशेंट सफरिंग परसिस्टेंट लोकलाइज पेन आर सबमिटेड टू अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन 2 to 3 weeks आफ्टर ट्रॉमा टू रूल आउट सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स। अब उसका ट्रॉमा था, 2-3 हफ्ते बाद तो वो सॉफ्ट टिश्यू में कन्वर्ट होगी होगी इंजरी, ठीक है। क्या होगा अगर ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है कि उसको ब्लीड हुआ है वहां से और वो क्या हो गया, वो हेमरेज बन गया वहां पे, ठीक है। और हेमरेज जो होता है वो हमें पता है कि एक फ्रैक्चर के साथ किस तरह का नजर आता है, वो विद टाइम अपनी एकोजेनेसिटी चेंज करता है, ठीक है। फ्रेश होगा तो बिल्कुल हमें बिल्कुल फ्लूड नजर आता है, फ्रेश फ्लूड जो होता है वो किस तरह का नजर आएगा, एनेक्विक नजर आएगा, विद टाइम वो थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो हिमाटोमा बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी उसकी एकोजेनेसिटी डिफरेंट होती जाएगी, ठीक ठीक है। ये आप देख रहे हो इसके अंदर फ्रैक्चर है, ठीक। अच्छा, ये इमेज मैंने दिया भी था आपको, इस टाइप का दिया था मेमो वाला, ये इधर करके फ्रैक्चर उसका भी नजर आ रहा था, और मैंने पूछा था ड्यू टू विच इंजरी पेशेंट इज कंप्लेनिंग पेन, तो पेन जो थी उसको ट्रॉमा की वजह से थी, और ट्रॉमा में इतना बड़ा यहाँ पे फ्रैक्चर नजर आ रहा था। कुछ लोगों ने क्या उसका, वैसे मैंने चेक नहीं किया अभी, मुझे पता है ज्यादातर ने इन्फेक्शन लिखा होना क्योंकि यहाँ पे व्हाइट व्हाइट एरिया नजर आ रहा था, बट फ्रैक्चर बड़े क्लियर थे, मैंने इसीलिए इसके ऊपर लगा के गई थी कि जो है ना एटलीस्ट अगर उस पर प्रिंट नहीं सही आया तो इस पर तो देख लो, ठीक है। जाने तो जितना आसान एमएसके का पेपर गया है ना, दूसरे दोनों बेचारे मेमो वाले भी और वो ओरिजिनल वाले भी रो रहे हैं, मुश्किल पेपर चला गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ पेपर आप लोगों को इसीलिए आसान दिया था कि आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट था, पिछला पेपर आप दे के और रात को ही गए और अगले दिन सुबह अर्ली आपका पेपर था, सब बच्चों ने मुझे बोला बहुत आसान पेपर था। नहीं, पेपर वाकई आसान था, बहुत सीधा सीधा पूछा हुआ था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर आपको जो स्लाइड से उठा उठा के सारा कुछ दिया हुआ था, स्लाइड अगर रीड की थी तो उसी से ही था, वो अगर स्लाइड नहीं रीड की तो वो फिर मुश्किल होगा पेपर आपका। अच्छा, फ्रैक्चर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द कॉर्टिकल ब्रेक्स। अच्छा, इसके अंदर आपको, अच्छा कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं वो ड्यू टू आपकी न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई कमजोरी है, खासतौर पर लड़कियों को बड़ी कमजोरी थी, खाना पीना है नहीं, और बाद में कुछ 30 से ऊपर उनकी एज जाती है और उसके बाद उनकी बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर्स खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऑस्टियोपोरोसिस तो और चीज़ है लेकिन वो फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो ड्यू टू इनसफिशेंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूध नहीं पीती हैं। मैं कहती हूँ बॉयज से ज़्यादा लड़कियों को दूध पीना चाहिए, जितनी इनकी कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं ना, तो जितना दूध कैल्शियम इस एज में ले सकते हो इतना कैल्शियम लो, 2-2 glasses लो, मतलब उसमें नहीं ले सकते किसी और फॉर्म में ले लो, लेकिन कैल्शियम इंटेक बहुत ज्यादा करो, 30+ की एज में जाओगे बहुत मसले होते हैं, ठीक है, आप लोगों को बोन्स में पेन शुरू हो जाएगी, आजकल तो इतनी हम कैल्शियम नहीं लेते जितना हम लोग ये कोक और इन चीज़ों से निकाल देते हैं, मैंने बताया भी था शायद 1 coke per glass 6 glasses कैल्शियम आपकी बॉडी से निकालता है, वही कहते हैं इतना हम लोगों ने इंटेक नहीं किया होता जितना वो एक जो है वो निकाल देता है, और कुछ टाइम के बाद हमारी छोटे बच्चों से पूछ लो भी एज इतनी है 18-19 साल में बोन्स की पेन स्टार्ट हो गई है, दर्दें होती हैं, ठीक है, ये कोक और ये सारा कैल्शियम इतना निकालता है आपकी बॉडी से, आपने या अगर कोक पीनी है ना तो कोक के साथ 6 glasses दूध भी पी लेना फिर सही हो जाएगा, कि जितना निकाला है एटलीस्ट वो पूरा हो जाए, लेकिन कोई लेता है वो इतना ले नहीं रहा जितना रोज कोक से जो है ना हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलता जा रहा है, और ठीक है उसको नींद आ रही है।
चलो दो चार स्लाइड्स हैं और इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ दैट क्या कह सकते हैं, कितनी स्लाइड्स है, कॉर्टिकल क्या कह सकते हैं, न्यूट्रन वेसल्स जो हमें मिल रही हैं, न्यूट्रन इनसफिशिएंसी की वजह से ब्रेकेज ऑफ दैट बोन्स विल अपीयर, ठीक है वो हमारे पास इसके अंदर वही सारी डिटेल की डिटेल दी हुई है। सिकॉन्ड फ्रैक्चर्स क्या होता है, एवर्जन ऑफ द बोन, या अगर आप इसके अंदर देखो तो यहाँ से टूट के बाहर की तरफ को चली गई है, ठीक है ये हमारे पास सिकॉन्ड फ्रैक्चर है। अगर ये किस चीज करने जाए, MRI, ठीक है इसके अंदर बोन के अंदर भी आप देख रहे हो कितनी डिटेल नजर आ रही है बोन, ठीक तो ये अगर आपको ये चीज नजर आ रही है एवर्जन ऑफ दैट बोन, दैट मींस के वो फ्रैक्चर होके उससे बिल्कुल टूट गया, अलग हो गया हुआ है, और वो हमारे पास ये कौन सा फ्रैक्चर होगा, सिगॉन फ्रैक्चर। और ये ज्यादातर हमारे पास टिबिया के अंदर इस तरह नजर आता है, टिबिया के अंदर ये वाला फ्रैक्चर मिलता है, ठीक है लेटरल साइड का जो हमारे पास ये एरिया है यहाँ से जो फ्रैक्चर होता है। इन अल्ट्रासाउंड सेटिंग क्या होता है, फिशन मीन्स डिटेक्टिंग, अच्छा ये भी छोड़ दो। स्ट्रेस, ये तीन फ्रैक्चर्स हैं ये डिफरेंट अभी तक जो हमने पढ़े, नंबर वन इज द स्ट्रेस फ्रैक्चर, नंबर टू इज द फटीग फ्रैक्चर एंड इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। इनसफिशिएंसी क्या है, न्यूट्रिएंट्स की इनसफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ये फ्रैक्चर्स हैं, और ये स्ट्रेस फ्रैक्चर नाम से ही बता रहा है कि उसके अंदर कोई ट्रॉमा या कोई भी स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। फटीग फ्रैक्चर क्या है, इट्स अ क्रॉनिक फ्रैक्चर, कोई एक ही रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत टाइम से कर रहा है, कोई एक रनिंग में मतलब कोई एथलीट है वो एक ही रेपिटेटिव उसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट आई जा रही है, वही एक ही मूवमेंट, वो क्या कॉज करेगा, वो फटीक जो है ना फ्रैक्चर कॉज कर सकता है ड्यू टू द रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है वो एक ही मसल की उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज यहाँ इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, स्पोर्ट्समैन के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि रनिंग बहुत ज्यादा, जो रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनमें क्रॉनिक स्टेज के ऊपर जाके फटीक फ्रैक्चर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनसफिशियंसी फ्रैक्चर जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की इनसफिशियंसी की वजह से, अच्छा और उसमें मैं कह रही हूँ तुम लोग को नींद आ रही है इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्फ्लेमेशन है, अच्छा अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर्स हमें अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन मिल रही है और हम लोग डायग्नोज ही कर रहे थे सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन, उसके साथ हम फ्रैक्चर्स को रूल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन में फिर से कह रही हूँ इज नॉट अल्ट्रासाउंड, इट विल बी, ठीक है ये हमारे पास बोन्स, अगर मैं पिक्चर सिर्फ बोन फ्रैक्चर्स और अल्ट्रासाउंड की पिक्चर दिखाती हूँ तो सिर्फ आप देखो और उसको बताओ कि इसके अंदर एवर्जन है, डिसलोकेशन है या लाइन फ्रैक्चर, सिंपल ठीक है, अगर फ्रैक्चर नजर आ रहा है उसके अंदर लाइन नजर आ रही है, अच्छा उसके अलावा हमें कैल्सिफिकेशंस मिल सकती हैं और कैल्सिफिकेशंस को हम लोग न्यू बोनी फॉर्मेशन को भी कहला सकते हैं कि भाई ये कोई न्यू बोनी फॉर्मेशन है, बट कैल्सिफिकेशन की जो एकोजेनेसिटी ना थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिव टू द बोन्स, ठीक बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होती है इस वजह से जो है वो हमें ये बोन्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट हो रही है, ठीक है इनको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कोई एक बोन है। और इसमें इंपॉर्टेंट टू बी कंटिन्यू का मतलब ये है कि एक लेक्चर और रह गया, ट्यूमर्स में क्या नहीं देख सकते, ट्यूमर्स को क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं देख सकते हमें ट्यूमर्स, पहले तो हम देखो कि वो ट्यूमर है कौन सा, बिनाइन है मैलिग्नेंट है, बिनाइन क्या है, कोई मैस नजर आएगा हम मैस बता सकते हैं, हाँ मैस, अब मैस हमें क्या कह सकते हैं, ज्यादातर मैस कौन कौन सा हो सकते हैं बॉडी में, क्या हमारे पास फ्लूइडल मैस हो सकता है, नहीं हम मैस देखेंगे, मैस की एक क्लास मैस देखेंगे, मैस के अंदर जो है वो हमें उसका किस तरह का चीज नजर आ रही है, अगर तो फ्लूइड है तो वो हमारे पास सिस्ट है, अगर तो वो फ्लूइड प्लस सॉलिड नजर आ रहा है दैट मींस वो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन पस हो सकता है, ठीक है पस हो सकती है, यहाँ पे उसके अंदर हमें सेपरेशन नजर आ रही है, डेब्रिज नजर आ रही है, दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक अगर हमें सॉलिड पूरा हाइपोएक्विक या उससे ज्यादा एकोजेनिसिटी मिल रही है दैट मींस वो सॉलिड मैस है हमारे पास, और सॉलिड मैस जो है वो फिर हम आगे डॉपलर लगाएंगे, ठीक है इफ यू सी वैस्कुलराइजेशन इन दैट ट्यूमर मैस तो वो हमारे पास किस तरफ लीड कर रहा है, ये हमारे पास मैलिग्नेंसी की तरफ लीड कर रहा है, एक फीडिंग वेसल भी मिल सकती है, अगर ये भी चीजें हमें नहीं मिल रही हैं और हमें इररेगुलरिटी मैस की भी मिल रही है और वो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, अगर तो रेगुलर है तो बिनाइन है कोई भी है हमारे पास पड़ा हुआ, इररेगुलरिटी मिल रही है, टॉलर देन वाइडर है जो कि मैलिग्नेंसी की मैं बार बार बताती हूँ कि टॉलर देन वाइडर होता है मैलिग्नेंट लीजन, ये सारी चीजें नहीं मिल रही बट हमें डाउट है कि ये कोई इस तरह का ट्यूमर या ऐसा मैस नहीं है कि हम इसको प्रॉपरली रिपोर्ट कर सकते हैं, देन हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है अल्ट्रासाउंड पे 80% तो हम लोग सॉफ्ट टिश्यू को रूल आउट कर सकते हैं,
ठीक है, अगर उसने इन्वॉल्व किया है, इन्वेजन है उसके अंदर, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं, इन्वेड की होती हैं उन्होंने, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फिर हम लोग उसको स्पेसिफिक फर्दर स्टडीज के लिए फिर सीटी या एमआरआई के लिए उसको जो है ना करते हैं उसको, ठीक हो गया। अच्छा खत्म करें अब ये पढ़ाई वाला काम। चलो अब अच्छा डिस्कस करते हैं वेबिनार के ऊपर। हमारे दो थे, मैंने डॉक्टर उज्मा से बात की थी, डॉक्टर उज्मा कह रही, मैंने कहा था एक ही उसके अंदर हम लोग वेबिनार भी कर लें और सेमिनार भी कर लें, दैट मीन्स 3 डे वर्कशॉप होगी हमारी और फर्स्ट डे हम लोग लेक्चर्स करते हैं उसके अंदर वेबिनार का मकसद ये था कि जो हमारे आउटसाइड जितने भी सीनियर्स यहाँ जॉब कर रहे हैं गल्फ में और यूके वाली साइड पे, उनको इन्वॉल्व करना था, वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे आफ्टर ग्रेजुएशन आपका क्या स्कोप है पाकिस्तान में भी और गल्फ और इस तरफ यूरोप वाली साइड, ठीक है, क्या लाइसेंस क्या रिक्वायर्ड है हर हर उसका, यूके के लिए HCPC है, गल्फ के लिए DHA है या हार्ड है, ठीक है, तो वो डिफरेंट आपको कुछ लाइसेंसेस क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ हमारे होते हैं जो एग्जाम के साथ क्लियर करने पड़ते हैं और कुछ होते हैं हमारे पेपर वर्क के साथ, जैसे यूके का है वो हमें बस एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 साल का और वो पेपर सारा IELTS मांगते हैं, बाकी आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगी और जो उसके ऊपर जो है वो फिर आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस वो खुद ही करके जो है आपके पास वीजा वगैरह भेज देते हैं कि आप आ सकते हो यूके में, कुछ ऐसे भी है और कुछ जो है वो कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं आपको, जैसे DHA के लिए दुबई के लिए या इधर गल्फ के लिए DHA का एग्जाम होता है वो आप क्लियर कर लो और एग्जाम क्लियर करके जो है वो फिर आप लाइसेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब भी, मतलब जिस तरह यहाँ की गवर्नमेंट है ना वहाँ पे आप प्राइवेट नहीं, आप वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स में आप उनको एक लाइसेंस के साथ आप काम कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है और वो चीज मैंने जो है ना डिस्कस करनी थी, हमारे सीनियर भी हैं वो सोहेब भाई हैं मेरे सीनियर थे, उन्होंने PhD भी कर रहे हैं अब MIT में और अभी जॉब अबू धाबी में कर रहे हैं वो, ठीक है, उनको बुलाया है कि वो एज एन आपको एक टॉपिक भी समझाएंगे, एक टॉपिक होगा 15 मिनट का और ज्यादातर मैंने उनको कहा था, मैंने तो उनको कहा था गाइडेंस आप टॉक रखे हैं ना, तो कहते कि नहीं मैं साथ एक टॉपिक, तो वो डॉक्टर उज्मा कह रही इनका बिल्कुल सेपरेट कर लें, ये वेबिनार के तौर पर हो जाए और आप बेशक बीच में आप उनसे बाद में जब वो क्वेश्चन वगैरह भी कुछ अगर कुछ पूछना हुआ तो उनसे अपनी गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरा यूके वाले जो कह रहे हैं वो तो खुद बिजी थे इतना, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट तो किया, उनके कह रहे हैं एग्जाम्स चल रहे हैं हमारे भी थीसिस वगैरह पढ़ रहे हैं साथ में, तो हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम उनसे कहा है कि अगर निकाल सके तो थोड़ा सा वो भी यूके के लिए स्कोप बता सके कि वहाँ पे किस मोडालिटी में ज्यादा स्कोप है और किस तरह हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टडीज फर्दर स्टडीज के लिए कैसे हम लोग पाकिस्तान में रह के भी अगर स्टडी कर रहे हैं तो वैसे तो कोई करवा नहीं रहा, एक तो ही है, अगर करते हैं तो किस में हमें फर्दर परस्यू करना चाहिए अपनी स्टडीज को, एक स्पेसिफिक फील्ड को लेके स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, ओवरऑल करनी चाहिए, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट है मोडालिटी का, तो किसी का अल्ट्रासाउंड है, किसी का किसी CTMR में, तो वो फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करके उसी को आगे फर्दर करो, उसी में मेरा जो अपना है ना यही है कि आप लोग किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाओ, ठीक है, उसमें ये होगा कि उसी में ही आप स्पेशलाइजेशन करो, उसी में ही आपकी वो हो जाएगी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा उसी फील्ड में हो जाएगा, तो वो आप उसी में कमांड ज्यादा ले सकते हो। काफी मेरे पास स्टूडेंट्स ने, मेरी जूनियर थी वो न्यूक्लियर मेडिसिन में, उन्होंने जॉब की शौक था, उनका इंटरेस्ट था न्यूक्लियर मेडिसिन में और वो सीधा न्यूक्लियर मेडिसिन में यूके में गई है, अच्छा और किसी मोडालिटी पर नहीं गई, वो यूके में काम कर रही है और न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर ही काम कर रही है, ठीक है, उससे भी बात की है मैंने, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या किस तरह हम जा सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन काफी उसमें पैसा ज्यादा होता है क्योंकि थोड़ी रेडिएशन का उसमें ज्यादा है, तो उसमें पैसा भी उतना है, नुकसान भी उतना है, पैसा भी उतना है, ठीक है, बट प्रोटेक्शन एवरीवेयर एंड यू आर रेडियोलॉजिस्ट एंड यू शुड नो कि क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसके ऊपर। और जो 3 डे वर्कशॉप का था उसमें मेरा था कि फर्स्ट डे हम लोग लेक्चर्स जो रेडियोलॉजिस्ट को इन्वाइट करके वो लेक्चर्स हमारे दे दें और उन्हीं के साथ हम ये वेबिनार पे जो ऑनलाइन जो जूम पे भी ये जो है ना वो कर लें, ठीक है, तो वो उसके अलावा बाकी रह गए 2 डेज, उसमें हम करेंगे एक दिन हम हैंड्स ऑन जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स होंगे उनसे कुछ कहेंगे कि वो आपको कुछ सिखाएं, ठीक है, बाकी हम लोग तो खुद करते रहेंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे गेस्ट स्पीकर से कुछ ना कुछ करवाएं, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दें यहाँ पे। तीसरा जो है वो मुझे डॉक्टर उज्मा ने कहा था कि हम लोग आपके लिए 3rd डे का रखें पोस्टर कॉम्पिटिशन के, आप कुछ पोस्टर्स बनाए, पोस्टर्स बनाने आते हैं जिस तरह हम लोग PC में जिस तरह रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें पोस्टर्स डिस्प्ले होते हैं, डॉक्टर्स भी बनाते हैं, मैंने भी अपना एक
पोस्टर वहां पे डिस्प्ले किया था। ग्रुप में करते हैं हम लोग, तीन चार पांच का ग्रुप बना लो ठीक है, और 10 से ज्यादा हमारे पास वो ना हो पोस्टर, 10 हम लोग पोस्टर्स लेंगे आप लोगों से, वो पांच पांच का ग्रुप हो बस ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कोई एक टॉपिक लेके प्रॉपर एक अच्छा सा पोस्टर प्रेजेंट करें और यहाँ डिपार्टमेंट पे उसको, फिर हम लोग जो है सारे जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स होंगे या हम लोग सर को सबको इनवाइट करके उसमें जिसका अच्छा पोस्टर होगा फिर उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज भी देंगे ठीक है। तो पोस्टर कंपटीशन इज फॉर यू कि वो थर्ड डे आप लोग कुछ बनाओ ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बना लो। पोस्टर्स तो अलग है लेकिन उसके साथ अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में कुछ अवेयरनेस देनी चाहे ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक जो कि हमारे लिए आजकल कोविड है या कुछ इस तरह जो कि मतलब आप आजकल आपकी अवेयरनेस आपको क्रिएट कर सकता है, आपके पूरे यूनिवर्सिटी के लोग भी आएंगे ठीक है, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे कि रेडियोलॉजी में जो मेडिकल इमेजिंग वाले हैं रेडियोलॉजी वालों का ये डे है तो वो अपने अवेयरनेस दे रहे हैं व्हाट इज रेडिएशन व्हाट इज प्रोटेक्शन क्या से मोडालिटीज के अंदर हम लोग उसमें क्या क्या मोडालिटीज हैं और कौन सी नॉन आयनाइजिंग मोडालिटीज हैं कौन सी, थोड़ा अवेयरनेस दो उनको ठीक है। उनको ये भी डराना है कि रेडिएशन के कितने हैजर्ड्स हैं और हमारी जो आवाम है वो किस तरह जो है वो रेडिएशन से डील करनी चाहिए कि हर जगह पे रेडिएशन है और किस टाइप की रेडिएशन है। एक तो ये हॉस्पिटल में जो रेडिएशन है जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, एक हमारी ये जो इन्वायरमेंट में भी कुछ टाइप की काफी टाइप की रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट है कुछ इस तरह, वो हमें कहाँ तक जो है हार्म दे रही है और उसको किस तरह हम लोग अवेयरनेस के लिए। लेकिन जो आपने बनाने हैं पोस्टर्स वो आप लोग कोई अच्छा टॉपिक लेके पोस्टर्स बनाओ ताकि जो है ना पोस्टर्स पता है ना एक सिर्फ एक पोस्टर होता है उसके अंदर सब कुछ साइनोप्सिस टाइप होता है ना उस तरह ही सब होता है पोस्टर ठीक है। साइनोप्सिस आप लोग थीसिस के लिए बनाते हो वन पेज का, उस तरह का आप लोगों ने पोस्टर प्रेजेंट करना है और कोई जिसका जो अच्छा होगा जो अच्छा उसमें होगा वो फिर हम लोग उसको मार्क्स के तौर पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज देंगे। पांच पांच का ग्रुप, पांच से ज्यादा मत करना क्योंकि सर्टिफिकेशन इज फॉर ऑल, सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे जो 10 पोस्टर्स होंगे पांच पांच स्टूडेंट्स उन सब में आएंगे तो और उसके बाद जो प्राइस होगा वो जो तीनों को मिलेगा ठीक है। पैसे नहीं मिलेंगे, कोई कोई अच्छी चीज ही देंगे, मैंगोज देंगे खाना में ठीक है। लेकिन अभी प्राइस भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन ये एक डॉक्टर उज़्मा का वो था कि इनको थर्ड डे के लिए इस तरह कुछ हम लोग इनके लिए भी एक्टिविटी रखें तो कोई प्रोजेक्ट्स बनाओ तो टाइम होगा हमारे पास ईद के बाद थोड़ा तो उस टाइम में हम कोशिश करेंगे कर दें ताकि आप लोगों के पास एग्जाम्स का भी बर्डन ना हो कोई भी, तो इसीलिए मैं मिड वगैरह का वेट कर रही थी कि मिड से फारिग हो जाओ। और मेरा ख्याल है सेप्टेम्बर का स्टार्ट सेप्टेम्बर के एंड में मे बी क्लासेस स्टार्ट हो सेप्टेम्बर या अक्टूबर के स्टार्ट, सेप्टेम्बर का एंड 25-26 हो सकती है या फिर अक्टूबर का स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट वीक जो ठीक है उसमें फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करनी है हमने अब इसके अंदर अंदर ही सारा कुछ, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइनल से भी फ्री हो जाओ तो उसके बाद जो टाइम होगा लेक्चर उसके बाद ठीक है, फिर ये ना हो कि बच्चे फिर बोलें कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम कितना है अभी ईद के बाद समझो अगस्त ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ क्या क्या वही मैं परेशान हो गई, मैं क्या रिव्यू किस चीज का मेड्स का, उसकी तो बात ही नहीं हो रही अभी मेड्स करना है अभी तो चेक भी नहीं हुए, मैं ये ईद की छुट्टियों में बैठ के सारे पेपर चेक करूंगी, ईद के बाद कर लेना क्या रिव्यू करके करना है। दिल को कुछ हो जाना तुम्हारे, जो हो गया सो हो गया, पेपर को पीछे मुड़के नहीं देखते। अच्छा सही है, तुम लोगों से ना चेक करवा लो अपना अपना पेपर सबको दे दूं, इधर आंसर लिखूं मेरा भी टाइम बचेगा, मेरे पास 300 पेपर था जो चेक करने वाले तो मैं इधर राइट आंसर सारे लगती हूँ वो खुद ही ठीक है बबल शीट के ऊपर बस टिक 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 करते रहना और जो गलत भी होगा उस लोगों ने अपना खुद ही टिक नहीं तो शफल करके दे रहे थे किसी का किसी को किसी का किसी को ठीक है तो वो नहीं चेक करते। हाँ जो दोस्त होगा वो दूर से ही तुम्हारा पास मेरे पास है ये भी है, लेकिन दोस्त वगैरह फिर भी निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से, वो एमएसके का दोस्त है तो मेरे नंबर लगा देना ये कर देना ठीक है, वो मैं ईद में ईद की छुट्टियों में इंशाल्लाह
यही काम करते हैं या इस वीकेंड पे बैठ के चेक ही करते हैं। अच्छा सोना है, चलो जाओ रुक जाओ। अटेंडेंस अटेंडेंस इतने सारे बच्चे आए हैं, मुझे नाम नहीं याद होगा। हाँ अभी आए कितने हैं उधर, यहाँ पे कितने हैं? कैसे? मुझे नहीं पता।